एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संगीता रोशन। सबसे पहले प्रेस करेंगे सब्सक्राइब के बटन को, देन जो बेल बटन नजर आ रहा है उस पर भी क्लिक कर देंगे, सो दैट ऑल पर क्लिक कर देंगे, देन आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस इजीली मिलते रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक बार आज की रेसिपी, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे बॉइल्ड, मैंने लिए हैं अरबी, इन्हें मैंने सिर्फ 2 सीटी लगा के बॉइल किया है और अच्छे से पील कर लिया है, यानी कि छील लिया है, और ये मैंने लिए हैं 750 ग्राम। और अब इन्हें हम छीलने के बाद अच्छे से मैश कर लेंगे। ये देखिए एकदम अच्छे से मैश होने चाहिए ये। और अब हम लेंगे कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल और उसमें डालेंगे हींग, हींग मैंने ली है 1 छोटा चम्मच। अब डालेंगे कलौंजी 1/2 चम्मच, अजवाइन 1 चम्मच, कसूरी मेथी 1/2 छोटा चम्मच और ग्रेटेड जिंजर डाली है मैंने इसके अंदर 1 चम्मच। चॉप्ड गार्लिक लेंगे, 7 पीसेज मैंने इसमें पतले पतले चॉप कर लिए हैं। ग्रीन चिली डालेंगे 4 फाइनली चॉप्ड। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और इसको अच्छे से भुनना है ताकि ये थोड़ा सा क्रंची सा हो जाए, थोड़ा सा पक जाए, ये देखिए इस तरीके से। अब इसके अंदर जो हमने मैश करके अरबी रखी थी उसे डाल देंगे। और आपको इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा लग रहा होगा, बट इसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही पड़ता है, तभी ये जो सब्ज़ी है ये बहुत ही क्रंची बनती है। बिकॉज़ कई लोग जब अरबी बनाते हैं तो उनकी शिकायत रहती है कि जो हमारी अरबी है ये बहुत ही लसलस कर रही है, यानी कि बहुत ही चिपचिपी सी लग रही है, तो बट इसमें इस तरीके से नहीं होता। ये जो अरबी का भरता है बहुत ही स्वाद बनता है और बहुत ही क्रंची बनता है। ये देखिए इस तरीके से इसे भुनना है, चलाते रहना है इसे, ढक्कन नहीं ढकना है हमें। अब डालेंगे रेड चिली पाउडर, ये मैंने 1 चम्मच लिया है, हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, और अब इसे 10 से 12 मिनट तक और अच्छे से मिक्स करके, एकदम अच्छे से मिक्स करके इसे हमें भुनना है। लगभग 10 से 12 मिनट तक इसे भुनना है हमें, ये देखिए इस तरीके से। और अब ये जो अरबी है ये देखिए कितने अच्छे से भुनती जा रही है ये। और ये सब्ज़ी ज़्यादातर यूपी बिहार साइड में बनाई जाती है, और वैसे इसमें हल्दी नहीं पड़ती है, बट मैंने हल्दी डाला है थोड़ा सा। और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर लेमन जूस 1 चम्मच, 1 छोटा चम्मच डाला है मैंने लेमन जूस, आप चाहें तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और ये लेमन जूस डालने से ये गीली नहीं होगी, ये देखिए इस तरीके से ये सूखी सूखी अच्छे से फ्राई हो रही है। अब डालेंगे धनिया, हरा हरा फ्रेश फ्रेश धनिया, और इसे फिर से अच्छे से 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। और ये देखिए हमारा अरबी का भरता बनके तैयार हो चुका है, और ये खाने में बहुत ही यम्मी लगता है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें।